और कितना उन्होंने अचीव किया, और कभी कभी ये भी उसमें आया कि पिछले की गवर्नमेंटों ने क्या की। ये मैं अपेक्षा नहीं करता था कि आप जो करते हैं वो बोली, कितने दिन वही बोलेंगे कि पिछले आपने क्या किया। और अभी भी मैं भाषण सुन रहा था साहब का, बहुत ही लिस्ट बना बना के कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने बोरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है, और समय नहीं रहने के वजह से मैं वो सारी चीजें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूंगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आज तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ, लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोर्टैलिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आपने इतनी, क्या कहेंगे हम, इतनी झलस से क्यों है भाई? अपने बात को आप रखी है, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है साहब, बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे जरूर मान्यवर ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है, निश्चित किया गया कि आप 30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर, हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको आपके पास है। सबका सभी को पूछ के घंटा, दो घंटे, चार घंटे चला सकते हैं, तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है, मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं, जी समर्थन नहीं मिला, बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि दी हाउस इज मेड फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है। बोले सर, और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हाल है। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दो मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दो मीटिंग नहीं सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो, ये नजदीकी संबंध है। उन्हों भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो, मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे।
मुझे एक बात याद आ गई, 8 अगस्त को आपने कहा था और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मेरे प्रेडिसेसर ऑफिस में थे यहां, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा, आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहां सताए, मौसम ठीक है, आप भी हंस रहे हैं, इट इज बिंग शेड। मैंने ये कहा था उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे, कहा मेरे लिए था कि आगे बहुत सताएगा। नहीं नहीं, सुनिए, आप उस वक्त नायडू साहब बैठे थे, मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है ऐसा। मैं चर्चा में भाग लेना का मतलब है अडानी का शेयर बढ़ाना। और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए, फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है, तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ, जो भी हम सलाह देते हैं। सब दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ, वो तो अपनी बात बहुत से जगह कही और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा, और ये जो भारत जोड़ो यात्रा ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक 3600 किलोमीटर चलना और लोगों के विचार को सुनना और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहां पर जो सदन में मैं देखता हूं, सदन के बाहर भी मैं देखता हूं कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं, बार बार मैं देखता हूं हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीस मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये, और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है, समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते, समझते हैं तो उसको शिक्षा क्यों नहीं, समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो, अरे उसके घर में जाके खाना खाके शो मचाते हो, हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है नहीं, ओ, 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 अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी जब धर्म एक, ऑनरेबल एलओपी प्लीज सर 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 बोलने दीजिए सर, आई कैन इन्फॉर्म मिस्टर जयराम रमेश
एलओपी डजंट नीड योर सपोर्ट. नो लीडर ऑफ अपोजिशन नोज हाउ टू हैंडल हिज अफेयर्स. एवरी टाइम यू गेट अप वेदर इट इज दिग्विजय सिंह और समवन एल्स दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. Every member in the house stands on his own leg. One second. LOP brings on the table huge experience of decades. When sitting in the chair, I find the gestures of LOP are little beyond his normal discourse. It is my bounden duty to request him to maintain composure. Sir, we are not in aggressive mode. This house is meant for sober dialogue with sobriety, so that we understand each other's point of view. Honorable LOP will bear this in mind. This is my request. Please. Sir, मैं दुख के साथ कह दो, मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते. इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम खून लगाते हैं उसी को महसूस होता है. करेक्ट. जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं, माला तो उसी को मालूम होता है. जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम है, दूसरों को नहीं. तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत. No, the chair cannot allow. It is for the LOP to take a call to what level he wants to raise his debate. If LOP comes to that level, yes, Mr. Mallikarjun, please take your seat. Thank you, sir. मुझे please take your seat. देखिए आप इतना इमोशनल मत हो जाए साहब. तो सर मैं नहीं हो रहा वाले नहीं है. नहीं नहीं मल्लिकार्जुन जी, मैं ये कह रहा हूँ, हर सुने वन सेकंड, फॉर एवरी रॉन्ग प्रैक्टिस वन सेकंड मिस्टर जयराम रमेश, वन सेकंड ऑनरेबल मेंबर्स, टाइम हैज कम फॉर अस कि हर गलत परंपरा को जस्टिफाई करने के लिए रियर व्यू भी देखते हैं. वी विल नॉट, प्लीज बेयर दैट माइंड. मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन. सर अगर आप ऐसा इंटरप्ट करते गए मेरा कहने का, मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब फ्लो में हम बोलते हैं कहीं गलती है आप एक्सचेंज करो, अगर कहीं ठीक नहीं है जो शब्द इसमें यहाँ. प्लीज डोंट ब्रेक इज फ्लो. Gareth, take your seat. एक साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस वहां पर मैं 5 साल फ्लोर लीडर था, मैं बहुत सी बातें करता था लेकिन उसको उत्तर भी प्राइम मिनिस्टर देते थे. यहाँ पर मैं 2 साल हो गए, यहाँ भी हूँ. नीचे 9 साल था वहां पर कर्नाटक में, और 5 साल डिप्टी लीडर था वो, एज गुड एज वही चला था उस वक्त, क्योंकि जो लीडर थे वो थोड़े से बीमार थे. तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब, इसीलिए कहा. लेकिन आप बार बार मुझे टोक रहे हो आपके पोजीशन के तहत बात नहीं. और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, महुआ मोइत्रा के बयान का विरोध तेज हो गया है. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया उस पर विरोध के सुर उठने लगे हैं. असंसदीय भाषा पर हंगामा हुआ है. महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा असंसदीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस पर बीजेपी नेताओं ने महुआ की भाषा को लेकर सवाल उठाए हैं. महुआ मोइत्रा से माफी मांगने की भी मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है. असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ जिस पर यह हंगामा किया जा रहा है. बीजेपी का कहना है कि महुआ मोइत्रा माफी मांगे. महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं. तो पेगासस से शुरू हुई थी महुआ मोइत्रा की स्पीच, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तक पहुंची. रफाल डील का भी उन्होंने जिक्र किया.
असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का और इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, नाराजगी जताई जा रही है। असंसदीय भाषा के उपयोग को लेकर माफी मांगने की भी मांग की जा रही है। विरोध तेज हो गया है महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर। पेगासस, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और रफाल डील का जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन उनकी भाषा पर सवाल उठाए हैं बीजेपी ने। माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है महुआ मोइत्रा ने और इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। The debate in the house has to be firmed up on duly authenticated record. This house cannot be a platform for free fall of information. One can't tell anything one likes. We cannot have a spectacle which we had recently. No. I would urge you, sir, request you, in the name of your seniority, in the name of position you hold, I am saying so because you have in last 3 minutes used expressions which you know are stigmatic. No. Authentication. No. Every allegation will have to be authenticated, Mr. Mallikarjun Khadge. That's the direction of the chair. Have to be authenticated. Go ahead. It's a point of order, sir. Yes, under which rule? Sir, he said 238(2), 1 and 2. When Honorable Sushil Modi ji referred to that rule, sir, while speaking, shall not make a personal charge against a member. He didn't speak anything like that. He was continuing his speech, sir. And how is the point is valid? Mr. Shiva, valuation is not against any member, sir. Sit down. Judicial decision is pending, but it is quoted. It was quoted only two. 238(2) was quoted. 238(2) was quoted. He's a discriminatory chartered accountant. The leader of the opposition is talking only of valuation. No. You are not listening to him carefully. No. He's not speaking about valuation. Yes. Honorable Finance Minister, one second. Sir, if I can make some sense of what is going on, it's very smart to say we are giving data, we will corroborate it, we will leave it on the table, we are not talking about a member, all this. But it is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting to. Please. You should agree. Sir, after listening to the Honorable Finance Minister, I thought everyone will agree. Every word she spoke carried sublimity, and you are objecting. Sit down, sir. Dosti nahi hai, sir. Mr. Digvijay Singh ji, what Khadge ji said was beyond insinuation. Now, just believe. No. You have been Chief Minister for 10 years. We are making reflection about Prime Minister of the country. Yes, that has been what. Yes, Mr. Khadge said so. No. Sir, yesterday you were very reasonable. When the highest constitutional office came in for suffering at your hand, you immediately relented. He should also relent. No. You see, sir, you have great experience at your back. Can you allow an institution to be so treated? President, Prime Minister, no. Please. What has he said against the Prime Minister? I would like to know what he said against the Prime Minister.
listen to him carefully, you'll know it. No, listen to him carefully, you'll know it. Yes. No, sir, it's not. देखिए सर, मैं ये कहा, एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति ढाई साल में 13 गुना बढ़ गई, बढ़ी है, और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ, जादू जादू, कि 2 ही साल में 12,00,000 करोड़ हो गए। ये कहा अब दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल जाना नहीं चाहता, और फिर ऐसा गड़बड़ी क्रिएट करके मेरा टाइम तो चले गया, लेकिन मैं और आगे इसको बढ़ाना नहीं नहीं, नहीं आप तो नहीं बढ़ा रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ, कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ना, दुनिया दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, वी हैव टू राइज टू अ लेवल। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है सर, माई सजेशन इज लेट अस बिलीव इन आवर सेल्व्स, लेट अस बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ, लेट अस बिलीव इन आवर इंस्टीट्यूशंस। हर किसी को अपनी इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करने के लिए अधिकार दे दिया। समवन इज स्पीकिंग समवेयर विल स्पीक समथिंग अबाउट अस एंड वी विल गेट रॉक्ड बाय इट, दिस कांट बी हर्ड। बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है, ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं। मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं, वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है। देखे कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये देखे कि उनकी संपत्ति स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। लीडर तो जांच कराओ, जांच कराओ, परमिशन टू स्पीक। तो मैं देखिए इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है सर, एक चीज आपके अनुरोध करूंगा, एक अनुरोध करूंगा, हर बार मिस्टर चिदम्बरम प्लीज, नो नो वाइल सिटिंग यू आर स्पीकिंग नॉट गुड सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन सर, एवरी टाइम योर मेंबर राइजेस, यू आर अ वेरी सीनियर मेंबर, दिग्विजय सिंह इज अ वेरी सीनियर मेंबर, एवरी टाइम मिस्टर जयराम रमेश विल राइज टू गिव सपोर्ट। नाउ आई वांट टू टेल हिम वन सेकंड, टेक योर सीट, यू मस्ट नो द रूल, आई एम ऑन माय फीट। सर आई रिक्वेस्ट यू दैट द मेंबर मस्ट बी अलाउड टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड यू आर कैपेबल ऑफ इट, द वर्ल्ड नोज इट। डोंट ब्रिंग डाउन द स्टैचू ऑफ एलओपी और अदर सीनियर मेंबर्स, ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ, ही कैन मेक हिज पॉइंट ऑन हिज ओन। Every time I say something to the LOP, you rise. Not good. LOP. Sir, देखिए disruption बहुत हो रहा है, आप तो नहीं चाहते disruption, लेकिन जब मेरा भाषण हो रहा है तो disruption हो रहा है। तो सर मैं आपके सामने कि इस व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिला है कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इस ग्रुप ने 82,000 करोड़ रुपए तक लोन दिया। एक उदाहरण देता हूं, सब आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि
गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला, 31 पैसे। तो मैं एनेक्स सर साथ पढ़ के आपको बताऊंगा, 31 पैसे के लिए। सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ, किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट, 13 पैसे के। ऑथेंटिकेट कर दो सर, 13 पैसे के लिए। अगर यहाँ ऑथेंटिकेट, ये तो है नहीं सर, सर ये विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। नहीं नहीं, आप इन अकॉर्डेंस विद रूल्स द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड, यू आर हैव टू डू इट। कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका। ऑनरेबल एलओपी इज कॉल्ड अपॉन टू ऑथेंटिकेट दिस इन्फॉर्मेशन। जमीन रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए, न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए, हाँ सॉरी, हाँ 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। और सर करोड़ों रुपए लूट के, सर वोट यू रेड इज रिक्वायर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड फॉर 3 रीजन। ये कोर्ट का आगे नहीं सर, ये कोर्ट का नहीं है, ऑनरेबल एलओपी कोर्ट का नहीं है। यू पुट दैट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे। अच्छा ठीक है, ऑथेंटिकेटेड ना। यस, देखिए, और दूसरी चीज ये है कि ये जो उनको देखिए शॉर्ट पीरियड में डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, सोलर, विंड गैस, मीडिया, सीमेंट, अब मेरे पास भी आ गए। गुलबर्ग में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी परसों ही खरीद। वो अब भाषणों में, चुनावी प्रचार में मोदी साहब मेरे पीछे लगे, ऐसे में सीमेंट वो लेकर वहां पर कारखाना मेरे पास शाहबाद में खरीदे ना। ठीक, तो ये है, इनको पैसा तो पब्लिक सेक्टर ने दिया, बैंकों ने दिया, पैसा भी मेरा, यानी मेरा मीन्स जनता का पैसा भी हमारा, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड भी हमारे, चलो हमारे ही पैसे से पब्लिक सेक्टर खरीदो। और इसमें जो सामान्य लोगों को नौकरियां मिलते थे पब्लिक, तो जब अच्छा आप थोड़ा शांत रहिए दादा, शांत रहिए। अभी बहुत कुछ बोलना है। माननीय उपसभापति जी, तो उनके पूरे भाषण में हमको 3 बात दिखाई पड़ी। एक, हताशा, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, ए सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कि सरकार तो हमें ही चलानी है, ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। समस्या यही है अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन उस सभापति जी, उससे एक बड़ी बात मुझे कहनी है। क्या बोलते समय सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज मैं आपके सामने इस विषय को बहुत गंभीरता से रखना चाहता हूं। इस संसद को कभी ना कभी यह विचार तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल जाएंगे, विदेश नीति की बात हो रही थी,
श्रीलंका को लेकर एक बात कही गई, और मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया वहां के राष्ट्रपति ने उसको डिनाई किया और उस व्यक्ति ने विड्रॉ किया, झूठ बोला गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है बाबा, बैठी बैठी। अरे मेरे पास ट्वीट भी है, हम बैठी बैठी डॉक्यूमेंट लेके आए। अधीर बाबू शांति से बैठिए आप, एक अभी हम नहीं है, चिंता मत करिए आप, चलिए हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मेरा कहना अध्यक्ष जी एक है, क्या विदेश नीति की बात बोलते हैं और बोलते हैं तो आप कोट करते हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी को, वहां के राष्ट्रपति ने उस सारे एलिगेशन को डिनाई किया ट्वीट कर करके, और उस पदाधिकारी ने कहा कि भावनाओं में बह के मैंने कहा मैं उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करता हूं, आप इसको छुपा जाते हैं। राहुल गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आप प्लीज प्लीज करियो अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई, बैठी बैठी अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री, ऑनरेबल मेंबर इज ऑलवेज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द हाउस, इनकी एब्सेंस का कोई कारण नहीं हो सकता है जी, प्लीज। दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक उद्योगपति उनके साथ जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले होते हैं। अध्यक्ष जी सामान्यतः हम उद्योगपतियों का विषय नहीं बताते हैं, बनाते भी नहीं चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो, लेकिन बहुत कहा गया तो आज मुझे कुछ रिकॉर्ड को साफ करना पड़ेगा। अध्यक्ष ये बताइए 2008 में अडानी परचेजेस बुनियो कोल माइंस ने इंडोनेशिया एज इट्स फर्स्ट ओवरचीज परचेज, 2008 में किसके सरकार थी? Take your seat, take your seat. You are a senior member. They told us you are very senior. इतने परेशानी है उनको, सर मुझे तो इसलिए सर अब थोड़ा मामा की बात कर ही ली जाए, मामा की कर दो मजीदा की भी करना। सर थोड़ा बोफोर्स वगैरह के मुझे विस्तार से देखने का अवसर मिला था, और 2G घोटाला चाहे बाकी घोटाले, कोल घोटाला, ये सब देखने का अवसर मुझे मिला था सर, विपक्ष के रूप में भी और दो विभागों के मंत्री के रूप में भी सर, तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है। लेकिन सर इन सभी घोटालों में जिस घोटाले ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया सर, वो है बोफोर्स सर।